हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे आपका स्वागत है। और आज इस देखिए कि सुबह सुबह ही एक न्यूज़ आया है जो कि आप देख सकते हैं कि 8 जनवरी 2019 9:03 में एएम दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि एसएससी सीजीएल 2018 एग्जाम डेट, अब एनटीए कराएगा परीक्षा, तारीखों का ऐलान इस दिन संभव। एक और आर्टिकल आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस का कि एसएससी सीजीएल 2018 एग्जाम डेट टू रिलीज सून। एक और आर्टिकल आप देखिए कि एसएससी सीजीएल 2018 एग्जाम डेट पेपर लीक के कारण कैंसिल हुआ था एग्जाम, अब इस तारीख को हो सकता है आयोजित। अब बात यह है कि बहुत सारे आर्टिकल में बहुत सारे चीज दिए हुए हैं, लेकिन दो चीज कॉमन है इन तीनों आर्टिकल में। वो तीनों आर्टिकल में क्या कॉमन है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो थंबनेल है वो भी आप सेम देख रहे हैं। पहला चीज तो ये है कि एग्जाम जो है इस महीने में बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब इसमें कहाँ तक सच्चाई है कहाँ तक नहीं है, हालांकि हम लोग का भी प्रेडिक्शन था कि इस महीने जनवरी मिड तक जो है आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा आफ्टर सुप्रीम कोर्ट हियरिंग जो कि 10 जनवरी को है। तो एक चीज वो तो कॉमन है, दूसरा कॉमन ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दिया हुआ है आपके पिछले साल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल परीक्षा के लीक होने की खबरें आने के बाद एग्जाम कैंसिल कर दिया गया था, एग्जाम कैंसिल हो गया था। अब सरकार ने तय किया है कि सीजीएल 18 की परीक्षा में टिस्कॉन जो है तकनीकी का इस्तेमाल होगा, यानी कि जो टीसीएस है वो एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा, यानी कि वेंडर भी वही है। और दूसरा कॉमन ये निकल के आ रहा है सामने कि हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एसएससी सीजीएल 2018 आयोजित कराने की जिम्मेदारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए को भी मिल सकती है। तो यहाँ पर दो चीज सामने निकल कर बात यह है, इसमें भी वही चीज दिया हुआ था, एनटीए के बारे में आपको चर्चा थी कि एनटीए वाइल सोर्सेज सजेस्ट दैट एनटीए विल बी गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द एसएससी सीजीएल 2018। जो डीजी है एनटीए के विनीत जोशी, उन्होंने कहा था, लेकिन किसी भी तरीके का ऑफिशियली उनको सरकार के द्वारा नहीं मिली है कुछ भी कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें भी आप इसी तरीके से देख सकते हैं कि तीसरे में कि एनटीए कर्मचारी चयन या आयोग यानी कि एसएससी की ओर से सीजीएल 2018 का आयोजन कराएगा। ठीक है, तो बात यह है कि एनटीए क्या कराएगा या नहीं कराएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वेंडर जो है वो तो टीसीएस है, फिर यहाँ पर एनटीए का चर्चा क्यों हो रहा है। तो अगर इस आर्टिकल को अगर हम लोग सही माने तो उसके अनुसार ये देख सकते हैं कि मे बी कि जो एसएससी सीजीएल 2017 का जो एग्जाम कैंसिल होगा तो बहुत चांस है कि वो एनटीए करा सकता है, या स्पेशली एसएससी सीजीएल को एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए एनटीए को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा सकता है, यहाँ से ये चीज सामने निकल कर आती है। या नहीं तो एनटीए को भी उन्होंने एक सब्स्टिट्यूट के रूप में रखा है कि टीसीएस नहीं तो एनटीए, लेकिन मोस्ट प्रायोरिटी चांस है कि जो एसएससी सीजीएल 2017 का एग्जाम है वो आपको एनटीए करवा सकता है। अब डेट के बारे में इन्होंने तो रिलीज कर दिया कि डेट जो इस महीने में निकल रहा है, और डेट के बारे में कहीं चर्चा ही नहीं है कि हाँ कब डेट को कब एग्जाम होगा। तो लेकिन फिर भी यही है कि आप मान सकते हैं कि इस आर्टिकल से कि अब जो है हलचल हो चुका है कि एग्जाम को लेकर। ठीक है, हालांकि इंडियन एक्सप्रेस ने तो बहुत बड़ा ऐसा आर्टिकल दिया हुआ है कि अब रिलीज हो रहा है एडमिट कार्ड, वो हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसा था नहीं। लेकिन इतना बात तो तय है कि जो जनवरी है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि जनवरी तक में कि आपका एग्जाम कब हो रहा है और वे स्पेशली कौन कंडक्ट करवा रहा है। ठीक है, तो फिलहाल ये जो इम्पोर्टेंट तीन जो आर्टिकल जो मैंने सुबह सुबह देखा तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर ले, तो इसलिए मैंने कर लिया उस चीज को। तो अब इस पे जो भी कुछ ऑफिशियली अनाउंसमेंट आएगा तो इस चैनल पे तो क्लियर हो ही जाएगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तब तक आप अपना धैर्य और अपना पेशेंस बनाए रखें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।